नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। प्रयागराज के ब्लॉक चाका अंतर्गत दंदुपुर ग्राम सभा के प्रधान प्रत्याशी को ग्रामीणों ने दोबारा अपना प्रधान चुना। विजय हुए प्रधान मोहम्मद जिज अब्बास उर्फ लत्ते भाई को प्रधान चुना गया। प्रयागराज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। मतगणना स्थल के बाहर भारी फोर्स तैनात रही। बंगाल में जिस तरीके से जनादेश वहां के आम जनमानस ने दिया और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करने का काम किया है, उसके लिए बंगाल के किसानों, मजदूरों और आम जनमानस का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है। झानी में प्रत्याशी व प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। मेरठ में बागपत रोड टीपी नगर थाने के सामने चल रही है फ्रॉड गर्दी। पंडेर में सरपंच ने गांव वालों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए पूरे गांव को किया सैनिटाइज। मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र व लिसाड़ी गेट के क्षेत्र में कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को तैयार नहीं है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी तहसील के पारोली थाना क्षेत्र में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस व प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। बदायूं में ग्राम पंचायत भुंडी थाना उसैद जनपद बदायूं से मनीषा देवी गुप्ता फिर से प्रधान चुनी गई। अंबेडकर नगर में विश्वकर्मा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पेश की मानवता की मिसाल। हापुड़ में मतगणना स्थल पर पुलिस का लाठीचार्ज, मतगणना स्थल पर युवकों के मोबाइल फोन लाने को लेकर की गई कार्यवाही। राजस्थान में 12 बजे के बाद बेवजह घूमना पड़ा महंगा। आजमगढ़ में जहां एक तरफ कोरोना को लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग में तमाम वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से इससे निमटने के तरीके को बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास के चलते पूजा पाठ से ग्रामीण लोगों में इस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है। भीलवाड़ा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत निकला रूट मार्च। फिरोजाबाद में नहीं मिली एम्बुलेंस, पति के शव को ई रिक्शा पर बांधकर ले गई बुजुर्ग महिला। राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला जारी, जूते चप्पल के गोदाम में लगी भयंकर आग। रोपा में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। ये थी आज की मुख्य खबरें, देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।